नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्स इन्फोटेक पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं अपनी नई वेबसाइट से, अपनी सरकार से। तो अपनी सरकार में अगर आपको भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके संबंधित आप मुझे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपका बनाना है तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और मैं आपको ऑनलाइन बना के दे सकता हूँ। तो अगर आपको भी घर बैठे बैठे आपका मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र बनाने हैं तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। स्किप अगर आपने किया तो बहुत से आपके पॉइंट छूट सकते हैं, तो उन पॉइंट को छोड़ने से बचने के लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी मेरे सी एस सी के दोस्त हैं और वो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, जो कि अपना आराम से किसी भी लोगों का आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकें। जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं उनका आप मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे बैठे बना सकते हैं। जिसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको सबसे पहले बनाना है, आपको आवेदन पत्र जो मिल जाता है जनसेवा केंद्र पर मिल जाता है। अगर आप CSC वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि कहाँ से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल कर लीजिए और एक मृतक की फ़ोटो ले लीजिए, जिसका अभी हाल ही में डेथ हो रखी है उसकी आप फ़ोटो ले लीजिए, और उनका परिवार रजिस्टर ले सकते हैं जिसमें उनका नाम होना चाहिए जिनकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद से आपके पास जो मेन दस्तावेज आता है परिवार के बाहर के दो गवाहों के आधार कार्ड, वो आपको आधार कार्ड लेके उन दोनों के सिग्नेचर करवा लेने हैं कि हाँ भाई हम इनको जानते हैं और हमारे सामने इनकी मृत्यु हुई है। पांचवा दस्तावेज जो आपका होता है शपथ पत्र आता है। शपथ पत्र जब लगता है वो आपके 21 दिन के बाद के उसमें लगता है। 21 दिन के बाद अगर आपने इसमें कोई भी मतलब किसी का भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है 21 दिन के बाद का, तो आप यहाँ से उसका शपथ पत्र बनवा सकते हैं। और उसके बाद से उसको आपने लगाना कैसे है मैं वो आपको आज बताऊंगा। इन सब की आपने PDF बना लेनी है, सभी चीज़ों की PDF बना लेनी है। अगर 21 दिन के बाद वाला है तो आपने शपथ पत्र को छोड़ देना है। 21 दिन के बाद वाले को शपथ पत्र ले लेना है। 21 दिन से पहले वाले को कोई शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक ANM की रिपोर्ट भी लगानी होती है, जिसमें कि वो लिख के देंगे कि हाँ भाई ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, इतने इतने तारीख को हुई है। उससे क्या होता है आपको कंफर्मेशन हो जाता है, जो गवर्नमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट आपके जाएंगे उसमें आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, आपकी अपनी सरकार पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपके सामने गूगल पे सर्च करने का ऑप्शन आता है। वहाँ आपने क्या करना है, अपनी सरकार सर्च करना है। तो उसके बाद जो फर्स्ट आपकी वेबसाइट खुलती है ई सर्विस की, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके अंदर जैसे आप उसको खोलेंगे वेबसाइट के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखता है अपनी सरकार पोर्टल। तो अपनी सरकार पोर्टल ये है आपका, अपनी सरकार पोर्टल। इस पर आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने और चार ऑप्शन खुल के आते हैं, व्यक्तिगत लॉगिन, CSC लॉगिन, EDC लॉगिन, विभाग लॉगिन। अगर आपके पास CSC नहीं है तो आपने क्या करना है, व्यक्तिगत लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। और अगर आपके पास CSC लॉगिन है तो आपने CSC पे आपने सीधे डायरेक्ट क्लिक कर लेना है। डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ये आपको वेरीफाइंग यूजिंग पे जो यूज़र पे लेके जाएगा अपनी सरकार पे। आपने यहाँ पर क्या करना है, CSC लॉगिन यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि मैं CSC वाला हूँ तो मैंने CSC लॉगिन अपने यहाँ पर कर लूँगा। और आगे चलते हैं, आगे की वीडियो आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर से आपने इसको देख लेना कि आपने अभी तक की कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ से बनाए हैं, कौन कौन से नहीं बनाए हैं। यहाँ पर देखने के बाद आपके सामने टॉप में रिक्वेस्ट ए न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप इसको हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। वो आपके फर्स्ट में जब होम पेज खुलता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है हिंदी और इंग्लिश का। तो आपने यहाँ से क्या करना है,
डिपार्टमेंट सर्विस और सर्विस टाइप को चूज कर लेना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ से हिंदी और इंग्लिश करना है इस चीज़ को, तो आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल पर आपने ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इंग्लिश अंग्रेजी में स्विच करें और हिंदी में स्विच करने का ऑप्शन आ जाता है, आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने हिंदी कर लिया तो आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगी। विभाग सेवा सेवा का प्रकार, तो यहाँ पर आपने आपने क्या करना है, यहाँ पर पंचायती राज विभाग पर क्लिक करना है। पंचायती राज विभाग पर क्लिक करने और सेवा सेवा आपने यहाँ से चेक कर लेनी है कौन सी आपकी पड़ी है। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म पंजीकरण आप देख सकते हैं। हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है एक माह के भीतर का है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेवा प्रकार में आपने जन्म स्लैश मृत्यु प्रमाण पत्र ग्रामीण पर सेलेक्ट करना है। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पर सेलेक्ट कर दीजिए, अगर शहरी है तो शहरी पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर करने के बाद आपसे ये एक फ़ोटो मांगता है, वो आप फोटो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसके बाद से ये जैसे पूछ रहा है कि शमशान रसीद, लकड़ी खरीद की मूल रसीद और आवेदक का आधार कार्ड, मौत अगर मौत अस्पताल में हुई है तो उसका डिस्चार्ज की कॉपी मांगता है, यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो पोस्टमार्टम करना और पंचनामा थाने की मोहर के साथ लगाना आवश्यक है। तो आपने अगर इन दोनों में से कोई चीज़ है तो आपने ये डाल देना है, अदरवाइज आपने क्या करना है 2 MB तक की इसमें आप PDF अपलोड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि देखिए जहाँ पर शमशान रसीद लकड़ी खरीद की मूल रसीद लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो जाता होता है कि शमशान की रसीद भी नहीं होती है और लकड़ी मूल की भी रसीद नहीं हो पाती कभी कभी, अगर हो तो अच्छा है डाल दीजिए। और आवेदक का आधार कार्ड, जो जो मैंने आपको बताया था, आवेदन पत्र, मृतक की फ़ोटो तो आपने ऊपर अपलोड कर देनी है। उसके बाद परिवार रजिस्टर हो गया, परिवार के बाहर के 2 गवाहों के आधार कार्ड हो गए, और शपथ पत्र अगर आपको लगना है तो वाली बात है, अदरवाइज आपको आपने क्या करना है, आवेदन पत्र, परिवार रजिस्टर, परिवार के बाहर के 2 गांवों के आधार कार्ड, उनके सिग्नेचर करके वो आपने यहाँ पर अपलोड करते हैं दोनों में। देखिए 2 MB तक की आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सबको एक PDF में मर्ज करके दोनों जगह अपलोड कर देना है, तो आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर से आपने क्या करना है, इसके बाद जमा करने पर आपने क्लिक करना है। मैं पहले इनको भर लेता हूँ, उसके बाद से आगे बढ़ता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार आपको दिख रहा होगा, आवेदक का आधार कार्ड के बाद स्टार है, शमशान रसीद लकड़ी के बाद एक स्टार है। स्टार का मतलब होता है आपका मैंडेटरी, ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है। और आपने इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था वो फाइल आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, तो लगाना चाहते हैं तो लग सकता है, पर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपने जमा करने पर जैसे आप क्लिक करते हैं, फॉर्म लोड हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखने के बाद आपने ग्रामीण है, शहरी है, आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ ग्रामीण है, और यहाँ पर से आपने मृत्यु की तिथि डाल देनी है। यहाँ पर मृत्यु की तिथि आपने यहाँ से डाल देनी है, जैसे कि 19 तारीख मैंने डाल दी। मैं आपको खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कोई है नहीं इंसान जिसकी मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे करना है। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर से आपने लिंग डाल देना है, मेल है, पुरुष है, यहाँ पर अन्य है, कोई भी है वहाँ से आपने डाल देना है। यहाँ पर से आपने मृतक का नाम डालना है, यहाँ पर से मृतक का नाम डालते हैं, ये आपने जो सरनेम है इसका यहाँ पर पड़ेगा, और जो आपका फर्स्ट नेम आता है श्रीमती श्री और कुमारी जो भी है आपने यहाँ पर डालना है, नहीं तो वही छप के आ जाता है, कभी कभी एरर आ जाता है इसी टाइप का। तो आपने यहाँ पर XYZ कुछ भी नाम लिख देना है, जो भी उसका नाम है वो आपने डालना है। पिता पति का नाम डालना मैंडेटरी है, यहाँ पर आप डाल दीजिए इसको। उसके बाद माता का नाम, उनकी माता का नाम भी डालना आपको ज़रूरी है। उसके बाद से आपकी आयु, उनकी आयु कितनी थी वो आपने डाल देना है यहाँ पे। और धर्म कौन सा था आपने धर्म भी डाल देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी था वो आपने यहाँ पर डालना है, लास्ट इंडियन आपका ऑटोमेटिक आ गया है। और यहाँ पर से आपने उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है।
क्योंकि आप तो इनका पहले से आधार कार्ड आप अपलोड कर ही रहे हैं ना, तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। पर आप देखिए यहाँ पर मृत्यु संबंधित जानकारी, जानकारी में आपने देखना मृत्यु का कारण क्या था, कारण आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी था आपका। उसके बाद से मृत्यु का स्थान आप पूर्ण मतलब आपको जो भी पता था वहाँ का आपने डाल देना है, इस टाइप से कुछ भी आपने यहाँ पर डाल दीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पड़ रहा है गांव या शहर जो भी है आपका वो आपने यहाँ पर डालना है। जिला डाल देना है यहाँ पर, आपका जिला कौन सा है, यहाँ पर आपने तहसील डाल देनी है। बाकी तो आप सभी को ऑटोमेटिक यहाँ पर आ ही रहे हैं, आपने यहाँ पर खाली क्लिक करते हुए जाना है, यहाँ पर डाल देना है ग्राम पंचायत डाल देनी है आपने, कहाँ पर कि आप ग्राम पंचायत कहाँ है और गांव, मृतक का पूरा पता, मृत्यु के समय मृतक का पता, मृत्यु के स्थान का पता, मृत्यु मृतक का व्यवसाय क्या था, क्या मृत्यु चिकित्सक रूप से प्रमाणित है, अगर वहाँ हुआ था, अगर हॉस्पिटल में अगर मृत्यु हुई तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र देंगे, वो भी आपने अपलोड कर देना है। चिकित्सा संबंधी देख रेख अगर हाँ है तो यहाँ पर हाँ डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डाल दीजिए। रोग का नाम अगर उनको योग रहा, अगर उनको रोग रहा होगा तो आपने यहाँ पर डाल देना है रोग का नाम, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु का असली कारण क्या था, प्राकृतिक था या किसी एक्सीडेंट हुआ था या कुछ अदर जो भी होता है वो आपने यहाँ पर डालना है। क्या वो व्यसनी था, मतलब किसी चीज़ की उसको लत थी, अगर लत थी तो आपने यहाँ पर डाल देना है, वो सिलेक्ट कर देना है, धूम्रपान तंबाकू चबाना जो भी था उनका, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद से कितने सालों से अगर खाता था तो कितने सालों से खाता था यहाँ पर आपने डालना है। यहाँ पर आवेदक की जानकारी, कौन आवेदन कर रहा है, उनका आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाना चाह रहा है उनका, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आवेदक का नाम डाल दीजिए, आवेदक का पता डाल दीजिए। यहाँ पर इतना करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है समीक्षा विवरण पर। मैं CSC एतवार यह पुष्टि करता हूँ कि मतलब अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप खुद से डालेंगे, अगर CSC वाला बना रहे हैं तो CSC वाला बना के डालेगा। यहाँ पर सत्यापन किया जाता है, पूर्व अलोकन पुष्टि प्रदान की गई जानकारी हर तरह से सही है और यदि कोई जानकारी गलत पाए तो आवेदन खारिज किया जा सकता है, अगर गलत हुआ तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद आपने सेव भी कर सकते हैं और पूर्वालोकन में ले जाके आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा था, सेव कर सकते हैं या आप सीधे हम भुगतान करें पर जमा करें पर आप सीधे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट कीजिए, 30 रुपये की पेमेंट होती है। अगर CSE वालों को सैन को कुछ कंसेशन होता है वो आप डाल के प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हैं और 15 या 20 दिन के अंदर में वो आपके घर पर आ जाएगा, घर पर नहीं आएगा तो आप CSE के पास जाके CSE से आप उसको निकाल प्रिंट आउट निकाल के अपना सेव कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो ज़रूर से इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर एक नोटिफिकेशन का पता सबसे पहले चल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।